Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. तो आज हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, देन उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. दिस इज योर रिविजन फॉर PT2. सो जूट इज़ एन इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल नेचुरल प्रोडक्ट. तो जूट क्या है, जूट के बारे में हमने पढ़ा है. तो जूट जो है इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल और नेचुरल प्रोडक्ट है, विद नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. उसका एनवायरनमेंट पे भी कोई एडवर्स या गलत इफेक्ट नहीं है. द प्रोसेसिंग ऑफ जूट वेराइटीज सच एज क्रोकरस, कैप्सुलर्स, इन सारी जूट की वेराइटी की प्रोसेस कैसे होती है आज हम देखेंगे. तो आफ्टर हार्वेस्टिंग द जूट प्लांट, तो जूट प्लांट को हार्वेस्ट करने के बाद जूट फाइबर को निकाला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेटिंग. तो रेटिंग की प्रोसेस हमने फाइबर एंड फैब्रिक में पढ़ा था कि रेटिंग में क्या होता है. तो रेटिंग इज द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर ऑन प्लांट्स टू डिजॉल्व द सेल्यूलर टिश्यू सराउंडिंग द फाइबर बंडल्स. तो फाइबर के आसपास जो टिश्यूज़ है, जो प्लांट टिश्यूज़ है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से उससे अलग करना. सो फाइबर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेम, स्टेम से फाइबर को अलग करने के लिए रेटिंग की जाती है. रेटिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग जूट स्टेम्स टुगेदर एंड इमर्सिंग देम इनटू द वाटर. तो जूट स्टेम को साथ में बांध के और उसे वाटर में रखा जाता है. वाटर रेटिंग इज अ सेंचुरी ओल्ड बट द मोस्ट पॉपुलर प्रोसेस इन एक्सट्रैक्टिंग फाइन फाइबर्स. तो वाटर रेटिंग बहुत ही पुरानी प्रोसेस है, मतलब बहुत पहले से ये प्रोसेस की जाती है. जूट बहुत पहले से इसी तरीके से निकाला जाता है, बट ये बहुत एग्जैक्ट सही तरीका है. आफ्टर द रेटिंग, रेटिंग के बाद उसे स्ट्रिपिंग किया जाता है. स्ट्रिपिंग ऑफ फाइबर बिगिंस, द नॉन फाइबर्स आर स्क्रैप्ड आउट. तो जो नॉन फाइबर्स होते हैं उसे बाहर निकाल लिया जाता है और फाइबर्स को जूट स्टेम ग्रैब्ड फ्रॉम विद इन द जूट स्टेम, और फाइबर को जूट स्टेम के अंदर से निकाल लिया जाता है और जो नॉन फाइबर मटीरियल होता है उसे अलग कर दिया जाता है इस प्रोसेस में. व्हेन स्ट्रिपिंग ऑफ जूट फाइबर इज कंप्लीट, जब स्ट्रिपिंग कंप्लीट हो जाती है, एक्सट्रैक्टेड जूट स्टॉक्स जो है उन्हें ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है इन द ओपन एयर, वॉश्ड विथ वाटर, फिर उसे वॉश किया जाता है और अगेन उसे बैम्बू पोल्स पे ड्राई किया जाता है. Now the resultant fiber is then sold off to the market. अब जो resultant जो fiber बन गया है उसे market में sell करने के लिए वो ready है. अब उस product से क्या क्या बन सकता है, crafts बन सकते हैं, jute geo textiles में वो पहुँचाया जा सकता है. Now there are many things जो कि jute से बन सकती है, sack, curtains जो है पर्दे, basket, carpet, mat, rope, bag, chair covers, ये सारी चीज़ें जूट से बन सकती है. नाउ जूट कम्स फ्रॉम, किस पार्ट से आता है प्लांट के, स्टेम ऑफ द प्लांट. आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो जूट कहाँ से आता है, वी विल राइट जूट कम्स फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट. देन आफ्टर हार्वेस्टिंग विच प्रोसेस इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग जूट फाइबर, तो कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है, रेटिंग यूज़ की जाती है. How stripping process is done? Stripping कैसे करते हैं, stripping of the fiber begins with the non fibers are scraped off, non fiber को निकाला जाता है, then fibers are grabbed from within the jute stem. तो ऐसे stripping process complete होती है. Now name some of the things that are made from jute. तो jute से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, यहाँ पे examples है, sack, curtain, basket, carpet, mat, bags, चेयर कवर्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं. जूट स्टॉक आर ड्राइड ऑन, किस पे ड्राई किए जाते हैं, ऑन बैम्बू पोल्स या इन द ओपन एयर. ये दोनों ही करेक्ट आंसर्स होंगे इसके लिए. आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द करेक्ट कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.